Hey everyone, welcome to Shyam's IAS. I am Shyamdi Sharma, and here I am with second chapter of class 12 history, and the name of the chapter is Kings, Farmer and Towns. So हर बार की तरह पहले हम चैप्टर का नाम पढ़ लेते हैं, किंग्स फार्मर एंड टाउन्स. सो किंग्स मतलब राजा, फार्मर्स मतलब जो भी हमारे एग्रीकल्चर कर रहे हैं लोग, एंड टाउन्स मतलब हमारे शहर, राइट. ईजी सिंपल कुछ इसमें ऐसा नहीं है, राइट. अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज. सो देखो, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं जो भी अर्ली स्टेट्स थी. अर्ली स्टेट्स मतलब नई, जो भी बोलो शुरू शुरू में इस टाइम पे बेसिकली 600 BCE से 600 CE का टाइम हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे. सो जो भी बहुत सारी स्टेट बनी थी, बहुत सारे किंगडम्स बने थे, और जो नई नई इकोनॉमीज उभरी थी वो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है. सो ना, वीडियो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक टाइमलाइन का सिस्टम सिखा रही होती हूँ, बता देती हूँ. सो याद है आपको BCE और AD हमने पुरानी क्लासेस में भी पढ़ा था, राइट. BCE क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा, जिसको हम BC भी पढ़ते थे, बिफोर क्राइस्ट, और AD, ठीक है. सो जैसे हमारी नंबर लाइन होती है, राइट, जैसे नंबर लाइन होती है, हेरी जीरो, यहाँ पे माइनस में चलते थे, प्लस में चलते, राइट. सो या इसमें सिस्टम क्या होता है कि एक मिनट, सिस्टम वैसे तो हमने पढ़ा है ये सब कुछ ऑलरेडी. जैसे जब BCE होता है, तो अगर 600 BCE है, 600 BCE के बाद इधर को आएगा 500 BCE, 400 BCE, 300 BCE, और जब यहाँ पे जीरो आएगा फिर 100 BCE, 200 BCE, ठीक है. सो ये सबसे पुराना टाइम है, 500 BCE उसके बाद का टाइम है, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है. 400 BCE उसके भी बाद का टाइम होगा, ठीक है. और जब हम 100 CE पढ़ेंगे तो 100 के बाद 200 चल पड़ेगा. जैसे हम यहाँ पे नंबर उसमें पढ़ते हैं ना, नंबर सिस्टम में जब हम नंबर लाइन पढ़ते हैं, जैसे -6, -5, -4, -3, -1, 0, -2, राइट. सो इसमें सब -6 सबसे छोटा है और -5 उसके बाद आने वाला है, वैसे सेम सिस्टम यहाँ पे होने वाला है, ठीक है. सो देर इज नो लाइक नीड टू बी कन्फ्यूज, ठीक है. सो ये चीज़ अपने दिमाग में लेके चलना. BCE में वी आर गोइंग इनवर्सली, एंड CE वी आर गोइंग इन अ करेक्ट मैनर, ठीक है. जब हम BCE पढ़ेंगे, हम उल्टा इन द सेंस कि अपोजिट तरफ जाएंगे. सो 600 BCE सबसे पुराना टाइम होगा, देन विल कम टू अबाउट 500 BCE, 400 BCE, 300 BCE, 200 BCE, 100 BCE, उसके ऐसे हम चलने वाले हैं, ठीक है. उसके बाद जीरो आएगा, जीरो से फिर जो है हम जीरो नहीं आएगा, सॉरी वन आएगा, फिर वन से हम शुरू करेंगे 100, 200, 300, ठीक है. सो देर इज नो नीड टू बी कन्फ्यूज्ड, ओके. सो सो लाइक हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा लास्ट चैप्टर में. सो जब हरप्पन सिविलाइजेशन एंड हो गया, उसके 1500 ईयर्स के बाद, 1500 ईयर्स के बाद जो डेवलपमेंट हुई सब कॉन्टिनेंट में, वो हम इसके में पढ़ने वाले हैं. सो मतलब जब से हरप्पा ख़त्म हुआ और उसके बीच के 500 ईयर्स में क्या हुआ, उसके पास हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, हमें कुछ नहीं पता है कि इस बीच में क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है. बहुत स्टडी की गई बट कुछ हमें पता नहीं चला 1500 ईयर्स में जो बीच में क्या हुआ. एक्सकवेशंस भी की गई बट स्टिल, ठीक है. सो जब जो हमें एक्सकवेशन करके चीज़ें मिली, उससे हमें पता चला कि हाँ, ये पर्टिकुलर इस टाइम की बात है, ठीक है. सो उसके बाद क्या कुछ हुआ 1500 ईयर्स के बाद, वो सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं. सो ये पीरियड को ना ऋग्वेदा से भी मतलब ऐसे वो बोला गया कि कंपोज किया गया है, मतलब क्योंकि इंदस और उसके ट्रिब्यूटरी के साथ में जो ये चीज़ें जा रही थी, ठीक है, इस टाइम पे. बट फिर बाद में हमें लगा कि नहीं, शायद ये थोड़ा अलग है. सो यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है. हम पुराने किंगडम्स के बारे में, पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में, फिर न्यू टाउन्स कैसे बने, ठीक है. सो ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं. सो देखो, जो हिस्टोरियंस है ना, हम हर बार लास्ट चैप्टर में भी मैंने ये बोला कि हिस्टोरियंस ने ये करा, हमने ये करा, जो हमें ये पता चला, राइट. सो यहाँ पे भी मैं ऐसा बोल रही हूँ कि एक्सकवेशन किया बट पता नहीं चला, राइट. सो जो हिस्टोरियंस होते हैं ना, वो कैसे इस रेंज ऑफ सोर्स को पता करते हैं. देखो, ऐसा तो है नहीं उस टाइम से कोई, लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था कि ऐसा तो है नहीं कि हाँ कोई पर्सन अभी तक है कि हाँ मैं हरप्पन सिविलाइजेशन में था, मैं तुम्हें बताता क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, राइट. ऐसी चीज़ें हैं जैसे जो इंस्क्रिप्शन है, जो टेक्स्ट है, जो कॉइन्स है, और जो विजुअल मटेरियल्स है, ठीक है. ये है हमारी बेसिक चीज़ें जिससे हमें इन बारे में पता चलती है कि क्या क्या. सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, हम लोग ना पढ़ चुके हैं वैसे ऑलरेडी, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ. जब भी किसी हार्ड सरफेस में, किसी भी हार्ड फॉर्मेट में या किसी हार्ड सरफेस में जब कोई चीज़, जैसे स्टोन का सरफेस हो गया, उसमें जब कोई चीज़ नोट करी जाती है,
अब देखो पेपर है, पेन है, ठीक है, सो पेन जो है वो इंक रिलीज कर रहा है, डैट इज वाई कि आप पेपर में कुछ नोट लिख पा रहे हो, ठीक है। सो आप उस पेपर से स्टोन में तो नहीं लिख सकते हो, तो उस टाइम भी ऐसा कुछ नहीं था हमारे पास जिससे हम स्टोन में लिखते थे कि वो अभी तक चलता आ रहा है। सो क्या किया जाता था कि स्टोन्स में ना वो की जाती थी, मतलब उनको उनको जैसे यहाँ पे हमारे पास फोटो है वो लुक है, सो यहाँ पे लिखा थोड़ी ना गया, इनको तो अंदर से ऐसे मतलब वो किया गया है, क्या बोलते हैं इसको, कुरेदा गया है, राइट, इसको अंदर से ऐसे जो इसमें दरार लाई है काइंड ऑफ, जिसके वजह से ये हमें दिख रहा है, राइट। ये अंदर से है, ऐसा तो नहीं कि ऊपर से किसी ने इंक लिखी जैसे हम पेपर में लिखते, ऐसा नहीं है, राइट। पत्थर को जैसे हमने देखा होगा टेम्पल्स में होता है कहीं कहीं, आपने ऐसे देखा होगा कि स्टोन्स वगैरह में भी की जाती है ये चीज़ें, है ना, कहीं आपने देखा होगा, राइट। सो ये जो इंस्क्रिप्शन है ना, ये इसीलिए जो है इतने सालों तक चला आ रहा है, ठीक है, और ये किसी हार्ड सर्फेस पर होता है, ठीक है। फिर आते हैं टेक्स्ट, अब टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें आती है जो पुराने हम बोल सकते हैं बुक्स है, या फिर जैसे ऋग्वेद है, ये सब कुछ लिखी गई चीज़ें हैं, ये टेक्स्ट है, राइट, इनको हम पढ़ के ये चीज़ें बताते हैं, राइट। फिर है कॉइन्स, अब आप बोलोगे कि कॉइन्स क्यों, देखो आज के टाइम पे जो कॉइन्स है वो डिफरेंट है, और उस टाइम पे जो कॉइन्स हुआ करते थे वो ऑफकोर्स डिफरेंट हुआ करते थे। सो कॉइन्स में क्या हुआ करता था उस टाइम पे कि एक साइड का कॉइन के एक साइड में ना जो एम्परर है जिसका राज चल रहा है उसकी फोटो, या मतलब उसकी फोटो नहीं सॉरी पिक्चर जो है वो बनी होती थी, और दूसरे साइड पे भी मतलब राजा का नाम वगैरह जो है वो लिखा जाता था, जिसकी वजह से भी मतलब कॉइन्स की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, जो कि हम आगे जाके इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और विजुअल मटेरियल यानी कि कोई सिंबल वगैरह बने हैं, कोई फोटो वगैरह बनी है, ठीक है, इसकी वजह से जो है हमें पता चलता है, ठीक है। इसके अलावा एक्सकवेशन होती है, एक्सकवेशन करके ये सारी चीज़ें बेसिकली बाहर आती है, राइट। सो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मतलब प्रोसेस होता है, तभी जो है हम मतलब देखो आपके पास जो है आप बुक पढ़ते हो, आप कोई भी स्टोरी सुनते हो घर वालों से, सो आप ऐसा स्टोरी सुनते हो, ठीक है, जब आप बुक पढ़ते हो तो आपको सब कुछ ऐसा स्टोरी की बताया होता है कि हाँ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, बट ये कैसे पता चले, डैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। सो हियर इज द आंसर, इंस्क्रिप्शन टेक्स्ट कॉइन एंड विजुअल मटीरियल, ठीक है। सो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है डैट इज प्रिंसेप एंड पियादसी। सो अब देखो जो बहुत ही मतलब हमारी जो एपिग्राफी है, एपिग्राफी क्या होती है, इंस्क्रिप्शन की स्टडी, ठीक है, जब हम इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करते हैं डैट इज नोन एज एपिग्राफी, ठीक है। सो इंडियन एपिग्राफी में एक बहुत ही मोमेंटस डेवलपमेंट हुई, कब, 1830s के टाइम पे, ठीक है, जब जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोस की स्क्रिप्ट को डिसिफर किया, ठीक है। सब बोलोगे कि डिसिफर करने का क्या मतलब होता है, देखो जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है और जो खरोस्ती स्क्रिप्ट है वो ऑफकोर्स हमें नहीं आती है, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी लिखी हुई चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हरप्पन जो स्क्रिप्ट है, हरप्पन लैंग्वेज की जो लिपि है वो हम लोगों को नहीं पता, डैट इज़ वाई हमें नहीं पता है कि वो चीज़ें क्या लिखी हैं, राइट। अगर वो चीज़ें हमें पता होती तो हम हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में और भी जान सकते थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे 1830s के टाइम पे, 1830s कुछ इतना मतलब अराउंड 200 इयर्स पहले की बात है, 1830s के टाइम पर जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोस्ती लैंग्वेज को डिसाइफर करा, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक हम बोल सकते हैं कि बहुत ही एक प्रेशर था हमारे लिए, बिकॉज जब हमें ये दो चीज़ें, ये दो लैंग्वेजेस पढ़ने आ गई, हमने डिसाइफर कर लिया, हमें इसकी स्क्रिप्ट पता चल गई, तब हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता चली, ठीक है। दैट इज़ वाई दिस इसका नाम प्रिंसेप है। सो प्रिंसेप कौन थे, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। सो जब हमने अर्लीस्ट ऐसे इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स पढ़े, तब हमें एक वर्ड, एक नाम रेफर को मिला, डैट वॉज पियादसी। सो हर एक इंस्क्रिप्शन में तो नहीं, बट काफ़ी इंस्क्रिप्शन में ये नाम दिखा, डैट वॉज पियादसी, ठीक है। और पियादसी का मतलब था प्लीजेंट टू बी होल्ड, ठीक है। सो बाद में जब हमें पता चला कि ये जो वर्ड है ये अशोका के लिए रेफर किया गया है, कैसे वो भी हम आगे चैप्टर में अच्छे से ब्रीफली पढ़ने वाले हैं कि हमें कैसे पता चला कि अशोका के लिए ही ये वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। सो अशोका रूलर हमें पता है, ही वॉज वेरी फेमस रूलर, जो कि बाद में जाके जो है बुद्धिस्ट मतलब बुद्धिज़्म में उन्होंने जो है वो चले गए थे, और वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ही फॉलो किया करते थे, ठीक है। सो द अर्लीस्ट स्टेट्स 2.1 है हमारा, द 16 महाजनपद। देखो 16th century BCE में
तो 16th सेंचुरी के बाद क्या आता है, 16th सेंचुरी के बाद आती है 15th सेंचुरी BCE, ठीक है। सो हाँ, 16th सेंचुरी BCE में एक बहुत ही ज़्यादा मेजर पॉइंट आता है इंडियन हिस्ट्री में, बिकॉज इस टाइम पे जो है ये एक एरा बनता है किस चीज़ का, अर्ली स्टेट्स का और सिटीज़ का, ठीक है। अब इस यहाँ पर क्या क्या होता है, इधर स्टेट्स बनने शुरू होते हैं, सिटीज़ बनना शुरू होती है, ठीक है। आयरन का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। कॉइनेज डेवलप होता है, मतलब कॉइन वगैरह बनने लग जाता है। अब हमें ये सब कुछ क्यों पता, कैसे पता चला, बिकॉज ऑफ इंस्क्रिप्शन एंड द कॉइन्स, ठीक है। सो इस टाइम पे हिस्ट्री में काफ़ी सारे चेंजेस आए, ठीक है। इसमें बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का भी सिस्टम जो है वो फैलने लग गया था, ठीक है। सो और एक और चीज़ जो मेंशन करी गई है, डैट इज़ 16 स्टेट्स नोन एज महाजनपदास। सो यहाँ पे क्या होता था, कुछ ऐसे 16 स्टेट थे जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पावर थी, बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, डैट वर महाजनपदास, ठीक है। सो इनमें से हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, जैसे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बार जो है इनको मतलब मेंशन किया गया है, बट महाजनपदास जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, ठीक है। जो महाजनपदास है उनको कोई भी किंग है वो उनको रूल किया करते थे, ठीक है। और कुछ ऐसे थे जिनको गणास और संघास जो है वो मतलब रूल किया करते थे, ठीक है। सो गाना और संघा वॉज ओलीगार्कीज। सो ओलीगार्कीज क्या होता है, जहाँ पे एक राजा बनी, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, एक हम बोलते हैं कि एक से ज़्यादा लोग होते हैं जो कि ग्रुप बना के जो है रूल करते हैं, डैट इज़ गाना और संघा, ठीक है। सो कुछ ऐसे महाजनपदास थे जिनको किंग रूल किया करते थे, और कुछ ऐसे महाजनपदास थे जिनको गाना और संघास जो है वो उनके ऊपर रूल किया करते थे, उनके ऊपर राज किया करते थे, ठीक है। और इनको मतलब राजा बोला जाता था, ठीक है। जब महावीरा और जब बुद्धा है, ठीक है, महावीरा और बुद्धा नेक्स्ट चैप्टर में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इनके बारे में, डोंट वरी। सो इनको ये भी गानास के, ये गानास को ही बिलोंग किया करते थे, ठीक है। और बट कुछ ऐसा था, जैसे वज्जी एक संघ है जहाँ पर ना जो राजा थे वो मतलब रिसोर्स जो है वो मिलके कलेक्ट किया करते थे, ठीक है। ऑल्दो अब जो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्स कुछ ऐसे स्टेट्स है जो कि काफ़ी टाइम में मतलब उनको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया था बिकॉज ऑफ वेरियस थिंग्स, ठीक है। सो हाँ, सो यहाँ पे जो वज्जी संघ है वहाँ पे क्या था, जो राजा थे वो मतलब एज जैसे लैंड, मतलब वो क्या करते थे कि अपनी सारी लैंड को कलेक्ट करके, सारी लैंड को कलेक्टिवली इकट्ठा करके कलेक्टिवली जो है वो रिसोर्सेज निकाला करते थे, ठीक है। सो हर एक महाजनपदा की कैपिटल सिटी थी, ठीक है, जो कि फोर्टिफाइड थी, ये बात याद रखनी, किला बंद थी, फोर्टिफाइड मतलब किला बंद थी, बड़ी बड़ी दीवारों से उनको बंद किया गया था, उनको बाउंड्री दी गई थी, ठीक है। सो ये जो फोर्टिफाइड सिटीज़ थी इनमें, बिकॉज ये 45 डेज ऑफ कोर्स, इसमें आर्मीज़ की ज़रूरत थी है, सो आर्मीज और ब्यूरोक्रेसीज भी वहाँ पे जो है वो रिक्वायर थी और वहाँ पर थी, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास मैप है, सो वहाँ पे हम कुछ कुछ देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है हमारे पास अवंती, फिर इधर है हमारे पास कौशला, इधर है पांचाल, ठीक है, फिर इधर हमने अभी वज्जी के बारे में डिस्कस करा, सो हियर इज़ वज्जी, ठीक है। यहाँ पे मगध है। सिक्सटीन सेंचुरी BCE से जो है वो आर्मी वगैरह की जो है ज़रूरत पड़ गई थी, ठीक है। अब जब ब्राह्मण्स है ना, उन्होंने धर्म सूत्रास कंपोज करने शुरू कर दिए थे। धर्म सूत्रास में क्या हुआ करता था, बेसिकली ये एक हम बोलते हैं कि एक नॉर्म हुआ करता था, एक हम बोल सकते हैं कि एक नॉर्म्स ही हुआ करता था जिसमें सारे रूल्स लिखे जाते थे, ठीक है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सारी चीज़ें जो है वो लिखी जाती है, वैसे ही ये था, ठीक है। सो उसमें सारे रूल्स लिखे जाते थे जो कि मतलब जो कि क्षत्रिय भी एक्सेप्ट किया करते थे, ठीक है। सो उनमें ना बेसिक रूल लिखा करते थे ब्राह्मण्स की, हाँ ये चीज़ें ये तो आपको करनी चाहिए, ठीक है। जैसे उसमें से एक था कि टैक्स कलेक्ट करो, क्योंकि टैक्सेस कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और जो कल्टीवेटर्स थे उनसे ट्रिब्यूट भी लो, मतलब कल्टीवेटर्स को बोला जाता था कि तुम राजा को ट्रिब्यूट भी दो साथ में, ठीक है। कल्टीवेटर्स, ट्रेडर्स और आर्टिसंस इनसे टैक्स भी कलेक्ट किया जाता था, और ये लोग जो है राजा को ट्रिब्यूट भी दिया जाते थे, ठीक है, ट्रिब्यूट भी देते थे। साथ में इसमें ये भी लिखा गया था कि नेबरिंग स्टेट्स में रेड करनी चाहिए, ताकि आप अपनी वेल्थ को और ज़्यादा एक्वायर कर सको और ज़्यादा बढ़ा सको, और
जो है अपना किंगडम भी और ज्यादा फैला सको, ठीक है। सो ये भी धर्म सूत्र में लिखा गया था, ठीक है। सो अब ग्रेजुअली कुछ स्टेट्स थे, उनको स्टैंडिंग आर्मी की ज़रूरत थी और अपनी अपनी ब्यूरोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए सॉफ्ट कोर्स जो है वो रेड वगैरह करने लग गए थे, ठीक है। सो अब ये जो 16 महाजनपद थे, इनमें से जो फर्स्ट महाजनपद थी जिसको सबसे पहले पावर मिली, डैट वॉज मगध। मगध के बारे में हमने सुना है स्टोरीज वगैरह में, या फिर कहीं ना कहीं जो हम इस चीज़ से फेमिलियर हैं, हमने कहीं ना कहीं मगध के बारे में सुना ही है, ठीक है। और जो यहाँ के राजा हैं उनके बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो हाँ, आपके पास एक क्वाइट फिगर होगा कि हाँ मगध के जो राजा थे वो कितने मतलब कितना बड़ा उनका एम्पायर था और मतलब कितने प्रॉस्पेरस वहाँ के वो राजा हुआ करते थे, ठीक है। 6th से लेके 4th सेंचुरी में, ठीक है, 6th से लेके 4th सेंचुरी BCE, 6th सेंचुरी BCE और 4th सेंचुरी BCE। जैसे मैंने आपको बोला था कि अपोजिट को हमारी स्केल चलेगी जब हम BCE में होंगे, वैसे ही यहाँ पे जा रहा है। सो 6th BCE से 4th BCE अराउंड 200 ईयर्स की यहाँ पे जो है वो बात हो रही है, 2 सेंचुरी की बात हो रही है, ठीक है, 2 या 3 का यहाँ पे सिस्टम है, ठीक है। सो मगध जो आज के टाइम पे बिहार में है वो बहुत ही ज़्यादा जो है पावरफुल महाजनपद मगध, ठीक है। सो जो मॉडर्न हिस्टोरियंस है ना वो मगध को बहुत ही मतलब बहुत ही अलग अलग वैरायटी से जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि इतने डेवलपमेंट वहाँ पे थी। मगध जो है वो रीजन बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव था एग्रीकल्चर के, अगर हम उसमें देखें। उसके अलावा बहुत सारे आयरन माइंस थे उधर पे, ताकि और वहाँ पे बिकॉज ऑफ आयरन माइन वहाँ पे बेस्ट क्वालिटी आयरन टूल्स और वेपन्स जो है वो बना करते थे, ठीक है। हाँ, और मगध के जंगल में एलिफेंट्स भी हुआ करते थे, ठीक है। ये जो भी महाजनपद बना करती थी ना, ये बेसिकली वही बनती थी जिनमें बहुत ज़्यादा पावर या ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस है। सो दैट वाज लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस, सो दैट इज़ वाई, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा जो है वो रिसोर्सेज भी अवेलेबल होती थी, बहुत सारी चीज़ें भी वहाँ पे अवेलेबल होती थी, ठीक है, पॉपुलेशन भी होती थी, मार्केट भी हुआ करता था, डैट इज़ वाई देवर महाजनपदास, ठीक है। महाजनपदास डैट इज़ लाइक कितना हैवी वर्ड यूज़ किया गया, बिकॉज दे वर लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस, ठीक है। सो हियर वी आर हैविंग एन एग्जाम्पल ऑफ मगध। सो मगध में जो टूल्स हैं और जो वेपन्स हैं, डैट आर ऑफ आयरन, ठीक है, आयरन वहाँ पे अवेलेबल है, फॉरेस्ट में एलिफेंट्स आर अवेलेबल, डैट इज़ वाई कि ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, डैट इज़ वाई दिस इज़ द फर्स्ट मगध, ठीक है। सो साथ में जो है गंगा है और गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट और चीप है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है। सो हाउएवर जो बुद्धिस्ट और जैन राइटर्स है ना, उन्होंने मगध के रूलर्स के बारे में मतलब इतने अच्छे तरीके से उनकी पावर को, उनकी जो पॉलिसीज है उनको दिखाया है, डैट इज़ कि इतने एम्बिशियस वो किंग हुआ करते थे, इतने रदलेस एम्बिशियस किंग वो हुआ करते थे, जैसे कि बिंबसार, अजातशत्रु और महापद्मा, ठीक है, महापद्मानंदा, सॉरी। सो ये तीन हैं जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट नोन है, ऐसा ये बुद्धिस्ट और जैना राइटर्स बोलते हैं, ठीक है। साथ में उनके जो मिनिस्टर्स हैं जो उनकी उनको पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने में हेल्प किया करते थे, ठीक है। निचली राजगह, ठीक है, बिहार के जो बिहार में आज राजगीर है, सो दैट इज़ राजगह, ठीक है। सो वो मगध की उस टाइम पे कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है। सो जो राजगह है उसका मतलब ये होता था कि किंग का जहाँ पे घर हो, ठीक है। सो वो सबसे ज़्यादा फोर्टिफाइड सेटलमेंट थी और वो एक हिल में थी, ठीक है। सो 4th सेंचुरी BCE आते आते जो कैपिटल थी वो पाटलिपुर में शिफ्ट कर दी गई थी, मतलब पाटलिपुर जो है वो बन चुकी थी शिफ्ट कैपिटल, जो कि आज पटना है, ठीक है। सो बिकॉज वहाँ पे जो है वो इतने अच्छे तरीके से गंगा के थ्रू कम्युनिकेशन हो जाता था, इसलिए पाटलिपुत्र को जो है वो बना दिया गया था कैपिटल, ठीक है। एंड अर्ली एम्पायर, सो देखो जब मगध इतना ग्रोथ कर रहा था तो साथ साथ में मौर्यन एम्पायर भी एमरजेंस पे आता है। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने ये एम्पायर बनाया कब, 321 BCE में, ठीक है। सो उन्होंने अपना कंट्रोल एक्सपेंड करा। सो देखो हमने अभी पढ़ा मगध 4th सेंचुरी तक का हमने मगध पढ़ा, तो 4th सेंचुरी क्या होती, 4th सेंचुरी ये भी तो 4th सेंचुरी का ही पार्ट है, राइट। सो उसी टाइम साथ साथ में मौर्यन एम्पायर भी बना, और जो चंद्रगुप्त मौर्य आए उस टाइम पे इतने अच्छे तरीके से जो है एक्सपेंड हुआ था मौर्यन एम्पायर, जो कि अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक भी पहुँच गया था, ठीक है। और अशोका के जो ग्रैंडसन थे वो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा
मतलब पॉपुलर रूलर बने, ठीक है, जिन्होंने कलिंगा तक का, मतलब कलिंगा को भी उन्होंने कॉन्क्योर कर लिया, और उस टाइम पे जो है सबसे बड़ा जो है वो मौर्यन एम्पायर हो गया था, ठीक है। सो मौर्यास के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखो, हिस्टोरियंस ने ना बहुत सारे वैरायटी ऑफ सोर्स वो स्टडी करते हैं, ताकि वो मतलब मौर्यन एम्पायर को बेसिकली अगर उनको रिकन्स्ट्रक्ट करना था, ठीक है। सो उन्होंने उनको कई चीज़ें खुद से मिली, कहीं किधर मिली, कहीं किधर मिली, सो हिस्टोरियन ने सारी चीज़ों को इकट्ठा ला के हमें ये दिया कि देखो ये था मौर्यन एम्पायर, ठीक है। सो उनको इतने सारे स्क्रिप्चर्स मिले, उनको इतने सारे कंटेम्प्रेरी वर्क भी मिले। सो कंटेम्प्रेरी वर्क क्या होता है, देखो जैसे आज मैं कोई चीज़ लिखती हूँ कि अगर मैं लिखती हूँ कि सपोज मैंने कोविड के टाइम पे लिखा था कि हाँ आज ये है, ऐसा है, और कोविड-19 जो है वो फैल रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो जो आएगा आने वाला जनरेशन आज से 100-200 साल बाद, जब वो पढ़ेगा कि हाँ कि किसी शिवांगी ने ऐसा लिखा था कि कोविड-19 फैल रहा है, ठीक है। सो उस टाइम की जो कंटेम्प्रेरी वर्क है, ठीक है। सो मैं कंटेम्प्रेरी हूँ बिकॉज मैंने ये काम लिखा, क्योंकि मैं उस टाइम पे प्रेजेंट थी, ठीक है। सो मैं प्रेजेंट थी, मैंने ये वो चीज़ देखी और मैंने लिखा, डैट इज़ वाई दिस इज़ अ कंटेम्प्रेरी वर्क, ठीक है। जैसे सपोज अगर आज मैं ये चीज़ लिखती हूँ कि आज से लगभग इतने साल पहले जो है वो मौर्य एम्पायर था, तो वो कंटेम्प्रेरी वर्क नहीं होगा, बिकॉज मैंने तो वो चीज़ नहीं देखी, ठीक है। उस टाइम पे जिन्होंने जो चीज़ें देखी और लिखी, डैट वॉज कंटेम्प्रेरी वर्क, ठीक है। सो कोविड-19 मैंने देखा और मैंने लिखा कि हाँ कोविड-19 में ये सब कुछ हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, मैं लिख रही हूँ, ठीक है। सो आई एम द कंटेम्प्रेरी एंड डैट इज़ माई कंटेम्प्रेरी वर्क, सॉरी। सो आपको समझ आ गया होगा कि कंटेम्प्रेरी वर्क क्या होता है, ठीक है। बिकॉज मैं प्रेजेंट थी कोविड-19 के टाइम पे और मैंने वो चीज़ लिखी, डैट इज़ लाइक, ठीक है, दिस इज़ अ कंटेम्प्रेरी वर्क, लाइक अप्रूव्ड कंटेम्प्रेरी वर्क, ठीक है। सो वहाँ के जो कंटेम्प्रेरी वर्क्स थे, जो लिखे गए, जो जो लिखे गए होंगे वो सारी चीज़ें, राइट। फिर उसके बाद मेगास्थीन्स, जो कि ग्रीक एम्बेसडर थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है, उन्होंने भी काफ़ी सारे ऐसे फ्रेगमेंट्स लिखे। मतलब देखो उनकी ना जो मेगास्थीन्स थे उनके ना कुछ ऐसे फ्रेगमेंट्स हैं, फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, फ्रेगमेंट्स हैं टुकड़े, जो टुकड़े हैं वो सरवाइव कर गए, जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा चीज़ें पता चली, ठीक है, मैगजीन्स की वजह से। मैगजीन्स ने जो चीज़ें लिखी, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट के एक एम्बेसडर हुआ करते थे, ग्रीक एम्बेसडर हुआ करते थे, ठीक है, उन्होंने भी चीज़ें लिखी, उसकी भी कुछ कुछ हमारे पास है। उसके बाद है हमारे पास अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य या चाणक्य, जो भी आपने बोलना है, उन्होंने लिखा था, ठीक है। सो ठीक है, सो ये हमारे पास एक सोर्स है। उसके बाद देखो ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो चाणक्य है वो चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत ही ज़्यादा बिलीव मिनिस्टर थे, राइट। सो जो मौर्य थे ना, उनको लेटर बुद्धिस्ट और जैना और जो पुरानिक लिटरेचर है वहाँ पे मेंशन करा गया है, संस्कृत लिटरेरी वर्क में भी उनको मेंशन करा गया है, ठीक है। सो अशोका के जो, और मतलब कुछ में इनमें से कुछ ऐसे है जो कि अशोका के टाइम के बहुत ही ज़्यादा यूजफुल इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। सो अशोका ने अपने जो इंस्क्रिप्शन है वो कहाँ लिखवाए, वो रॉक्स और पिलर्स में लिखवाया करते थे, ठीक है। जैसे उन्होंने पिलर बनवाए पूरी जगह पे, कहीं पिलर बनवाए और उस पर खुदवाया कि हाँ खुदवाया उन्होंने कि ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो वो उनके इंस्क्रिप्शन थे, ठीक है। सो अब देखो जो अशोका थे ना, वो पहले ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने ऐसी मतलब पिलर्स और नेचुरल रॉक्स पे जो अपने इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे। सो इन इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखाया करते थे, वो लिखवाया करते थे, वो उनका मेन मोटिव होता था धम्मा का प्रचार करना, ठीक है। क्या, किसका प्रचार करना, धम्मा का, ठीक है। अब धम्मा जो है वो अपने, आपको पता है कि वो बुद्धिज्म के रास्ते में गए थे, सो जो बुद्धा थे, बुद्धा भी धम्मा का रास्ता ही दिखाते थे, ठीक है। सो वही आगे जो है अशोका ने फॉलो किया था, ठीक है। सो धम्मा के जो मतलब हम बोलते हैं धम्मा जो ज्ञान दे, जो ज्ञान नहीं बट जो जो वो चीज़ें इंक्लूड करता था, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और ऐसी थी कि जो हर एक कास्ट का पर्सन, हर एक धर्म का पर्सन सपोर्ट कर सकता था। जैसे रिस्पेक्ट करना एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, ठीक है। उसके अलावा जो वर्कर्स है, जो स्लेव्स है, उन स्लेव्स को अच्छे से ट्रीट करना, ठीक है। और जो भी उनका एक जो लास्ट था वो ये था कि हर एक धर्म और हर एक ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट करना, अपना होने के साथ साथ बाकियों की उनके भी जो है वो रिस्पेक्ट करना, ठीक है। सो इतनी बेसिक चीज़ें जो है वो धम्मा में थी, ठीक है, और इसी चीज़ का जो है वो प्रचार किया करते थे। अब एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर,
अब इतना बड़ा एम्पायर है तो उसको एडमिनिस्टर कौन करता था, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता था। जैसे आज हम देखेंगे हमारे इंडिया में तो प्राइम मिनिस्टर है, फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर जी होते हैं, फिर लोकल लेवल में पंचायत वगैरह होती है, राइट। तो ये क्या करती है एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो करती है ये चेक करती है कि हर एक चीज़ें अच्छे से हो रही हैं कि नहीं हो रही है, राइट। सो इतने बड़े एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, राइट। आज तो हमें पता है कि सोर्स ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की सारी चीज़ें करती है, ठीक है। सो उस टाइम पे चीज़ें क्या होती थी, उस टाइम पे गवर्नमेंट हुआ करती थी, ये भी तो एक बहुत अच्छा सोर्स है। सो ऑफकोर्स ये इतना अच्छा क्वेश्चन है और हमारे जो हिस्टोरियंस है उन्होंने इतना सब कुछ करा और इस चीज़ का भी हमारे पास आंसर ला के दिया हमें, ठीक है। सो देखो फाइव जो है वो मेजर पॉलिटिकल सेंटर बनाए गए, मेजर पॉलिटिकल सेंटर जिसकी जिसमें एक ऑफकोर्स एक तो थी कैपिटल पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और स्वर्ण नगरी। सो ये सब कुछ कहाँ मेंशन है, सब कुछ अशोकन इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, ठीक है। सो देखो जैसे इनका नाम है मेजर पॉलिटिकल सेंटर, इनको बनाया गया बिकॉज ये ज़्यादा मतलब ये काफ़ी फेमस थी और इनका जो ये क्या थी ना, ये बड़े बड़े टाउन्स थे, ठीक है। आप देखो ना, आप खुद ही देखो इतने बड़े राज्य की जो कैपिटल है वो कैपिटल कितनी बड़ी होगी कि वहाँ वो अपने अपने साथ 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 वाले जो छोटे छोटे जगह है उसको भी कवर करके जो है मतलब काम किया करती थी। वैसे ही पांच ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर बनाए गए थे, ठीक है, ताकि वो हर एक ऐसे मतलब ग्रुप में ध्यान रख सके, ठीक है। सो हर एक देखो ना, जो भी इंस्क्रिप्शन था अशोकन इंस्क्रिप्शन, वो सेम ही मैसेज जो है वो ड्राइव किया करता था, ठीक है। आज से अगर हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर देखें पाकिस्तान के प्रोविंसेस में, या फिर अगर हम आंध्र प्रदेश देखें, उड़ीसा देखें या उत्तराखंड तक जाए इंडिया के, तो हर जगह पर हमें जो है ये दिखता है। और जो मैसेज था वो एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब देखो हर जगह अगर मैसेज सेम है तो क्वेश्चन ये भी अराइज होता है ना कि क्या इतने बड़े एम्पायर का यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था कि नहीं था। इसका आंसर मैंने आपको दे दिया, आपको था, बिकॉज जो है ऐसे पांच तरीके ऐसे इन्होंने पांच पॉलिटिकल सिस्टम बना के रखे थे, पॉलिटिकल सेंटर्स बना के रखे थे जो कि आसपास वाली जगहों पर पूरे जो किंगडम है, पूरा जो भी मतलब एम्पायर है उस पर कवर किया करता था, ठीक है। सो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या क्या हमें दी गई थी, हमें दी गई थी तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली। देखो सो यहाँ पे तक्षशिला, सो ये तक्षशिला ऐसे ऑफकोर्स इतना एरिया कवर कर रही होगी, राइट। उज्जैनी है, उज्जैनी भी इतना एरिया कवर कर रही होगी। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है कि मतलब इतनी सारी चीज़ मतलब ऐसा मेन पांच सोर्स ही है, मेन पांच सोर्स के अंदर जो चीज़ें तो आती होंगी, राइट। इतना कॉमन चीज़ है, मुझे नहीं लगता ये समझाने की ज़रूरत है, बट ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे ना हमारे पास मैप है जहाँ पर हमारे पास मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट और पिलर इंस्क्रिप्शन है। मेजर रॉक एडिक्ट मतलब जहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों पे जो है वो पत्थर में इनके अशोका जी की जो इंस्क्रिप्शन है वो लिखी गई थी, और माइनर मतलब छोटे छोटे, और पिलर मतलब जहाँ पर पिलर बनाए गए थे। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सारे जो है ये माइनर रॉक के एडिक्ट है, ये मेजर हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सारे जो है ये पिलर्स के हैं और ये भी मेजर के हैं, ठीक है। ठीक है, सो वही मैं आपको बता रही थी कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किया जाता था, बिकॉज प्रोविंशियल सेंटर्स बनाई गई थी, कैपिटल भी था। सो जो आसपास का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है वो भी मतलब जो मतलब कैपिटल की जैसे कैपिटल कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, राइट। सो कैपिटल के आसपास जो एरिया है वो भी ऐसे के अंदर कवर हो जाता था, ठीक है। सो ऐसे ही जो है ये सब कुछ किया जाता था। अब देखो जो तक ये जो सेंटर्स है ना, इनको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली चूज किया गया था। ऐसी नहीं कि अकड़ बकड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 ये बना देते, ऐसा नहीं था। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो सेंटर्स को बहुत ही केयरफुली चूज किया गया था उनको, ठीक है। जैसे तक्षशिला और उज्जैनी है वो ना बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेड रूट्स है ना, वहाँ का एक इम्पोर्टेंट सेंटर था, ठीक है। जो स्वर्ण नगरी थी जिसका मतलब ही गोल्डन माउंटेन है, वहाँ पे जो कि आज कर्नाटका के में, जो हमने पिछली हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी पढ़ा था कि साउथ से जो है वो गोल्ड काफ़ी आया करता था, राइट। सो ये जो गोल्ड माइंस है वहाँ का एक इम्पोर्टेंट सोर्स था स्वर्ण नगरी, ठीक है। सो वहाँ पे उनको बनाया गया बिकॉज ये अल्टीमेटली इनका जो कवरेज है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो अब देखो इतना बड़ा जब कोई चीज़ है, इतनी सारी प्रोविंसेस भी बनाई है, तो आर्मी भी तो चाहिए। सो आर्मी भी इतना ज़्यादा ज़रूरी थी, ठीक है। सो जो मैगस्थीन्स थे, मैगस्थीन्स के लिए जो मैगस्थीन ने जो चीज़ें लिखी, उनके जो अकाउंट्स थे वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोर्स था इन सब चीज़ों का, ठीक है। सो जो मैगस्थीन है उन्होंने मैंशन करा कि 6 सब कमेटीज़ थी, ठीक है। 6 सब कमेटीज़ बनाई गई थी
मिलिट्री एक्टिविटी को कोऑर्डिनेशन बना के रखने के लिए, कि मिलिट्री का जो सिस्टम है वो ना बिगड़े, ये सिर्फ इसी चीज़ के लिए सिक्स जो है वो सब कमेटीज़ बनाई गई थी। ठीक है, देखो जो पहली सब कमेटीज़ है वो नेवी की तरफ, मतलब नेवी का ध्यान रखा करती थी। सेकंड जो है वो ट्रांसपोर्ट और प्रोविंसेस का ध्यान रखा करती थी। थर्ड फुट शोल्डर्स का ध्यान रखा करती थी। फुट शोल्डर यानी कि जो मतलब पैरों में जो सिपाही होते हैं, जो पैरों से काम, मतलब जो पैदल सिपाही होते हैं। फोर्थ मतलब वो जो फोर्थ सोर्स थी वो घोड़ों का ध्यान रखती थी। फिफ्थ चैरियट्स का ध्यान रखती थी और सिक्स्थ एलिफेंट्स का ध्यान रखती थी। ठीक है, सो अब एक सेकंड सब कमेटी जो थी, ठीक है, तो सेकंड सब कमेटी थी वो बुलॉक कार्ट्स और इक्विपमेंट्स वगैरह को कैरी करने के लिए उनका ध्यान रखा जाता था। ठीक है, फिर जो शोल्डर्स है, जो मतलब पैदल शोल्डर्स है और एनिमल के लिए जो भी फोडर है वो सब कुछ भी सेकंड सब कमेटी ही ध्यान रखा करती थी। ठीक है, फिर अब सर्वेंट्स के लिए जो भी रिक्रूटमेंट चाहिए, आर्टिसंस वगैरह चाहिए, जो शोल्डर्स का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखो जो अशोका थे उन्होंने पूरे अपने एम्पायर में धम्मा को प्रोपोगेट उन्होंने करा, वो अपने पूरे एम्पायर में चाहते थे कि धम्मा का सिचुएशन चले, जो कि बहुत ही जिसके प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा सिंपल और काफ़ी यूनिवर्सली एप्लीकेबल थे। ठीक है, और सिंपल थे, कुछ इनमें इतना कुछ मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ आपको ये करना पड़ेगा, सब कुछ सिंपल था। ठीक है, और हर एक पर्सन जो है वो फॉलो कर सकता था। ठीक है, सो तो जो भी कुछ उन्होंने ना स्पेशल ऑफिसर्स बनाए थे जिनको धम्मा महात्मा बोला जाता था, वो धम्मा महात्मा पूरे मतलब वर्ल्ड में, बेसिकली पूरे वर्ल्ड में वो लोग गए और उन्होंने धम्मा के मैसेज को स्प्रेड करा। ठीक है, अब ये एम्पायर के इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, आंसर इज येस, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था बिकॉज ये बहुत ही शुरू के जो है वो एम्पायर्स हैं और ये इतना ज़्यादा फैले, इतना ज़्यादा इनका डोमेन रहा जो कि इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो देखो जब हिस्टोरियंस ने 19th सेंचुरी में इंडियन हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करा, तब उन्होंने देखा कि जब मौर्यन एम्पायर बना तो एक काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेजर लैंडमार्क बना इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, देखो जब इंडियन कलोनियल रूल के अंडर था ना और ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था, इतना तो हमें पता है, बट जब उस टाइम पे जो है पता चला कि इंडिया का इतना ग्लोरीफाई जो है वो पास्ट रह चुका है, इतने बड़े बड़े इंडिया पे जो है वो रूलर्स रह चुके हैं, ठीक है, इतना अमीर इंडिया का वो रह चुका है, मतलब इतना प्यारा पास्ट रह चुका है, सो अब इंडिया में ना चैलेंज आने लग गया उन लोगों के अंदर कि हाँ अब इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ हम जाएंगे, अब और ज़्यादा एक्साइटमेंट लोगों के अंदर आ गया। ठीक है, और जब भी उन्होंने लड़ाई करी तो जो पुराने हमारे राजा थे, इतने महान महान राजा थे, इतने बहादुर हमारे राजा थे, उनका जो है हम बोल सकते हैं उनको आइडियल मान के जो उस टाइम पर लड़ाइयाँ भी हम लोगों ने लड़ी थी। ठीक है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, सो काफ़ी ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मौर्यस के बारे में बात करा, स्टोन स्कल्पचर्स हमें लोगों को मिले थे, और इतना एम्पायर का जो हमें स्पेक्टेक्युलर आर्ट मिला ना, अरे हरे, जो वो स्पेक्टेक्युलर का मतलब होता है इतना हटके, इतना अलग, इतना सुंदर, जो इतना मतलब एडोरेबल हमें आर्ट मिला ना एम्पायर्स में कि हाँ हमारे इंडिया में ये चीज़ें थी, तो अब जब हमारा इंडिया इतना सब कुछ है, जब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, ब्रिटिशर्स ने बोला इंडिया गवार है, इंडिया के पास कुछ नहीं है, इंडिया को सब कुछ हम सिखाएंगे, बट जब हमने देखा कि इंडिया का जो पास्ट है वो इतना ज़्यादा ग्लोरीफाइड था ऑलरेडी, तो हम इन ब्रिटिशर्स के गुलाम क्यों रहे, राइट, जब इतने बड़े बड़े राजा थे, इतने महान महान राजा थे, तो हम दूसरों के गुलाम कैसे बने। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पास्ट था ना हमारा, वो हमारी इंडिपेंडेंस के लिए भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बनकर के आया। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, सो जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस थे वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी किसी अदर रूलर से। ठीक है, बिकॉज अब इससे ये भी पता चलता है कि जो अशोका है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और इंडस्ट्रियस थे, बट हाँ पावरफुल और इंडस्ट्रियस होने के साथ साथ वो दिल के बहुत ही ज़्यादा हम्बल थे, बहुत ही ज़्यादा कोमल वो दिल के थे, साथ में जो बाद वाले जो रूलर्स आए उन्होंने इन्हीं टाइटल्स को जो है वो ग्रैंडाइज भी करा था और ज़्यादा, ठीक है, कि मतलब और ज़्यादा जो है वो फैलाया गया था। ठीक है, द न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, चीफ एंड द किंग इन द साउथ। ठीक है, सो देखो जो नए किंगडम्स थे ना जो कि डेक्कन और साउथ की तरफ पे एमर्ज हो रहे थे, वो ना चीफडम्स थे, सो जैसे किंग के किंगडम्स वैसे चीफ्स के चीफडम्स, चीफडम्स, ठीक है, तो चीफडम्स थे चोलास, चेरास और पांड्यास के, ठीक है, जो कि साउथ की तरफ में ज़्यादा हुआ करते थे। ठीक है, सो ये क्या हुआ करते थे,
चीफ क्या होते थे, चीफ एक ऐसा पर्सन होता था एरिया में जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था, ठीक है, और जिसकी पोजीशन हेरिडेटरी भी हो सकती थी, मतलब जो कि ऐसे फादर सन 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 भी हो सकता था, या फिर वो भी हो सकता था जिसके पास पावर ज़्यादा है, राइट, मतलब जिसके पास लैंड है, और वो भी जो है वो चीफ बन जाया करता था। तो ये जो चीफ थे वो सबसे मतलब रूलिंग किया करते थे, बट वो मतलब ऐसे राजा नहीं हुआ करते थे, ठीक है। सो चीफ टर्म्स में मतलब ऐसा कोई रेगुलर आर्मी या कोई ऑफिशियल जो है वो भी नहीं हुआ करते थे, ठीक है। सो वैसे ही जो तमिल संगम टेक्स्ट है उसमें एक पोइम है जो कि डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे जो चीफ्स है वो अक्वायर करते थे और रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, ठीक है। काफ़ी ऐसे चीफ्स और किंग्स है सतवाहनास, ठीक है, सतवाहनास को इंक्लूड करते हुए, सतवाहनास वो है जिन्होंने वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया में रूल किया था 2nd century BCE से लेकर 2nd century CE तक, ठीक है, कब से लेके कब तक, 2nd century BCE से लेके 2nd century BCE से लेके 2nd century CE तक, ठीक है, उन्होंने राज किया था, ठीक है। कब, कहाँ पर, इसमें वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया में, किन्होंने, सातवाहना से। उसके बाद जो शाकास थे, शाकास ने सेंट्रल एशियन और रीजन में जो है वो रूल किया था, साथ में उन्होंने मतलब सेंट्रल एशियन का जो है उनका ओरिजिन था, साथ में उन्होंने अपना किंगडम नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्ट सबकॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में भी बना दिया था, ठीक है। सो अब हम पढ़ते हैं डिवाइन किंग्स। डिवाइन किंग्स क्या हुआ करते थे, देखो कुछ ऐसे राजा थे जिन्होंने खुद को स्टेटस दिया डिटीज के, उसके मतलब जिन्होंने खुद को एक ऐसे टाइटल दिए जो भगवान से डायरेक्ट एसोसिएट करते होंगे, मतलब जिन्होंने खुद को डिटीज की तरह दिखाया, ठीक है। और इन्होंने जो ये जो स्ट्रेटजी थी ये फर्स्ट कुशाना उसने जो वो शुरू करी थी, जिन्होंने 1st century BCE से लेके 1st century CE तक राज किया था, ठीक है। सो उन्होंने अपने किंगडम में मतलब उन्होंने अपना बौद्धिक किंगडम जो है वो काफ़ी बड़ा किंगडम बनाया था, उन्होंने सेंट्रल एशिया से लेके नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक जो उन्होंने अपना किंगडम को उन्होंने फैला के रखा था, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या क्या करते थे कि ये ना एक ऐसा नोशन बोलते थे, मतलब एक हम बोलते थे ना वो खुद को डिवाइन उन्होंने बहुत दिखाया, ठीक है, उन्होंने खुद को मतलब खुद को एक डिवाइन पिक्चर उन्होंने दी कि हम ऐसे हैं, ठीक है। हम पढ़ लेते हैं चैप्टर में, इसी में काफ़ी अच्छे तरीके से दिया है, ठीक है। देखो कुशाना रूलर्स के ना कोलोशियल स्टैचूज को देखने को मिले हमें मथुरा के पास उत्तर प्रदेश में, ठीक है, मठ है वहाँ पर, ठीक है। सो काफ़ी ऐसे कुशाना रूलर्स थे जिन्होंने टाइटल, हाँ, जिन्होंने डिवाइन टाइटल खुद को दिया, एक डिवाइन हाँ टाइटल बोल सकते हैं, एक डिवाइन पिक्चर खुद को दी जो कि लोगों को लगे, ठीक है। जैसे उन्होंने बोला देवपुत्र मतलब का मतलब होता है सन ऑफ गॉड, ठीक है। बाद में चाइनीज रूलर्स ने भी ऐसे ही चीज़ें अडॉप्ट करी है, वो भी बोलते थे सन ऑफ हेवन अपने एम्परर को या फिर अपने राजा को, ठीक है, अपने रूलर को। 4th century में, अब यहाँ पे याद रखना 4th century, यहाँ पे BCE नहीं है, 4th century ये CE है। सो हम अभी कौन सी सेंचुरी में जी रहे हैं, हम अभी 21st century में जी रहे हैं, तो ये अब जो है मतलब BCE का टाइम ख़त्म होकर CE का टाइम चल रहा था, ठीक है। सो हाँ 4th century का टाइम है, उस टाइम पे गुप्ता एम्पायर में बहुत ही लार्ज स्टेट्स के जो है वो एविडेंस हमें देखने को मिले, ठीक है। काफ़ी इनमें से काफ़ी ऐसे थे जो कि समानताज पर डिपेंडेंट थे। अब समानताज क्या होते थे, समानताज किसी भी लोकल एरिया के एक हम बोल सकते कि एक ऐसे लोग थे जो कि मतलब जिनके रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा थे लोकल एरिया में, मतलब रिसोर्सेज ना यहाँ पे लैंड ही है बेसिकली, मतलब जिसकी ज़मीन ज़्यादा है वो उतना ही अमीर है। सो जैसे पर्टिकुलर जगह पे, जैसे मैं आपको बोलूँ कि एक स्टेट है, सो स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं और चीफ स्टेट के अंदर डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट आती है। सो एक डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे ज़्यादा अमीर है उसको हमने चलो बोल दिया कि वो समानताज है, तो अब जो चीफ मिनिस्टर है वो समानताज पे भी थोड़े थोड़े डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल, ये इसको रियल मत मान लेना आप, बस मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दे रही हूँ कि सपोज एक किंगडम है, सपोज मैंने दे दिया किंगडम का नाम किंगडम ए, ठीक है। सो किंगडम ए के अंदर जो है किंगडम नहीं बट एक एरिया आ रहा है B, C, D और E, ठीक है, और बी में जो सबसे रिच पर्सन है, सी में जो सबसे रिच पर्सन है, डी में सबसे रिच पर्सन है, ई में सबसे रिच पर्सन है, ये चारों जो है ये समानताज होंगे, और इन समानताज से जो आपका किंग है, ठीक है, वो डायरेक्टली उनसे रिलेटेड होगा, कैसे वो अभी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो ये जो भी समानताज राजा जी से मिलने जाया करते थे, सो ये इनको काफ़ी ज़्यादा
होमेज दिया करते थे, मतलब रिस्पेक्ट, और उनको जो है मतलब मिलिट्री के लिए रूलर्स भी प्रोवाइड किया करते थे, साथ में इनको गिफ्ट वगैरह भी दिया करते थे। कभी कभार ऐसा होता था कि जब समानतास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे ना, सो अगर किंग की पावर कम हो गई ना तो किंग समानता बन जाता था, और समानता की पावर बढ़ी तो समानता किंग भी बन जाता था कभी कभार, ऐसा भी हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो सबॉर्डिनेशन की जो पावर है वो मतलब बदल जाती है, ये चीज़ भी हमने देखी है। ठीक है, सो गुप्ता रूलर की जो हिस्ट्री है ना वो रिकन्स्ट्रक्ट करी, रिकन्स्ट्रक्ट का इधर मतलब है फिर से उसको जोड़ा गया हम लोगों को समझाने के लिए फ्रॉम द लिटरेचर। ठीक है, गुप्ता रूलर का जो गुप्ता एम्पायर था ना उसका लिटरेचर इतना ज़्यादा रिच था। ठीक है, लिटरेचर हो गई, उसके बाद कोइंस, ठीक है क्या, इसके बाद कोइंस वॉज एन एग्जाम, कोइन बहुत ही अच्छा सोर्स हम लोगों को मिल करके आया। इसके बाद आया इंस्क्रिप्शंस और प्रशस्ति, प्रशस्ति एक इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, जैसे हम किसी की वो करें ना, मतलब किसी को प्रेज हम जब देते हैं किसी को, राइट, दैट इज प्रशस्ति। ठीक है, सो प्रशस्ति लिखने के लिए जो कि पोइट हुआ करते थे किंग के, जब हम किसी की प्रशासन करते हैं, राइट, सो जब किसी जो भी किंगडम के पोइट हुआ करता था किंग के कोर्ट पे, वही जो है प्रशस्ति इसको लिखा करता था। वैसे एक प्रशस्ति फेमस है जिसका नाम है प्रज्ञा प्रशस्ति। ठीक है, जो कि समुद्रगुप्त के लिए लिखी गई थी हरिसेना के द्वारा। सो हरिसेना वॉज हिज कोर्ट पोइट, मतलब उनके जो दरबार के जो पोइट थे वो थे हरिसेना। ठीक है, सो उन्होंने लिखा था समुद्रगुप्त के बारे में, जहाँ पे वो बता रहे थे कि जो सबसे गुप्ता रूलर के सबसे ज़्यादा पावरफुल जो मतलब गुप्ता जो सबसे पावरफुल गुप्ता रूलर थे वो थे समुद्रगुप्त। ठीक है, बहुत ऐसे में सारी चीज़ें लिखी गई थी। ठीक है, अब हम आते हैं अ चेंजिंग कंट्री साइड। सो ये चीज़ें क्या थी, ये चीज़ें तो किंग थी। ठीक है, ये तो हमने किंग के बारे में पढ़ा। सो अब हम पढ़ेंगे कंट्री साइड के बारे में। कंट्री साइड क्या होती है, कंट्री साइड होती है विलेजेस। ठीक है, पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग्स, देखो जो हिस्टोरियंस थे ना उन्होंने मतलब, अब देखो जो प्रशस्तीज में लिखा जाता था, जो इंस्क्रिप्शंस में लिखा जाता था, वो अल्टीमेटली राजा के फेवर में ही लिखा जाता था, क्योंकि वो राजा ही लिखवाता था, समझ रहे हो आप। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि सपोज यू आर एन एम्परर और यू आर अ रूलर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्टिकुलर एम्पायर, तो आप अपने कोर्ट में या फिर अपने जो भी आपकी प्रशस्ति या जो भी आपके जो आप इंस्क्रिप्शन लिखवाओगे उसमें आप ऐसे तो नहीं बोलोगे ना कि मैं बुरा था, मैंने ये सारी चीज़ें करी। आप यही बोलोगे कि मैंने ये सब कुछ करा, मैंने ये सब कुछ करा, और वही वहाँ पर लिखा जाएगा। बट जो प्रजा है, प्रजा के दिल में आपके लिए क्या परसेप्शन है, प्रजा आपको क्या समझती है, वो तो आपको नहीं पता है, राइट। और यही टेंशन है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये लिखी नहीं जाती, ये ना ही किसी इंस्क्रिप्शन में, ना ही किसी इसमें प्रशस्ति में लिखी गई, राइट। तो हिस्टोरियंस ने ये चीज़ कैसे पता चली, हिस्टोरियंस को ये चीज़ कैसे पता चली कि जो कंट्री साइड के लोग हैं उनके दिलों में राजा जी के लिए क्या परसेप्शन है। ठीक है, सो कितनी मेहनत जो है हमारे करते हैं। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। ठीक है, सो हिस्टोरियंस ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी स्टोरीज और जो भी एंथोलॉजीज है उनको पढ़ के। देखो कुछ ऐसी स्टोरी है जैसे कि जताकाज और पंचतंत्रा, जो कि जो नॉर्मल लोग हैं अपने जो प्रजा के लोग हैं वही लिखा करते थे, बट ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। ठीक है, और इनको लिखा भी गया था। सो जताकाज जो है वो कई फर्स्ट मिलेनियम सीई में पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। ठीक है, वैसी एक स्टोरी है जिसका नाम है गंधत इंदु जता का। सो इसमें एक बहुत ही विक्ट किंग थे। ठीक है, सो उसमें जो उनकी प्रजा है उसकी क्या सिचुएशन थी, उनकी क्या प्लाइट थी, उनकी क्या हालत थी, वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो होता क्या है कि जो राजा है वो बिल्कुल ही मतलब नॉर्मल पर्सन बन के, जैसे नॉर्मल लोग होते हैं वो बन के, वो अपने लोगों के बीच में गए और उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हें हमारा राजा कैसा लगता है। ठीक है, ऐसे मतलब भेद बदल के वो गए काइंड ऑफ, और तब उन्हें पता चला कि उन्होंने कंप्लेन करी कि जो राजा है मतलब जो हम चीज़ें उगाते हैं उसमें से इतना ज़्यादा तो राजा टैक्स ले जाता है, उसमें से रात में कभी चोरी चपाट हो जाता है, तो हम लोग तो मतलब बर्बाद ही हो रहे हैं और पता नहीं क्या करेंगे हम लोग। तो वो ये बोलते थे कि ऐसी सिचुएशन के बचने के लिए हम लोग मतलब हमें विलेजेस में नहीं रहना, हम फॉरेस्ट में रह लेंगे। ठीक है, सो ये सारी ऐसी स्टोरीज थी जो कि किंग और उनके सब्जेक्ट्स को जो है उनका रिलेशनशिप दिखाती है, जो कि हमारे पास इकलौता सोर्स है जिससे हम बता सकते हैं कि हाँ राजा और जो प्रजा है उनका उनकी जो रिलेशनशिप है वो आपस में क्या है। ठीक है, सो
ज़्यादातर जो जटाका स्टोरीज है वो यही दिखाती हैं कि कैसे फॉरेस्ट में लोग चले जाते थे बिकॉज इतना ज़्यादा जो है टैक्स पे किया इतना ज़्यादा टैक्स उनसे मांगा जाता था. ठीक है, सो दैट वॉज इट फॉर द टॉपिक. ठीक है, सो अगला टॉपिक है हमारा स्ट्रैटेजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन. अब देखो प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज की गई. आज के टाइम पे तो हम पूरा प्लानिंग करते हैं कि ठीक है ये उगाना है ये उगाना है ये उगाना है, फिर चीज़ें प्रोड्यूस करनी है. ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में तो वो कैसे होगा, वो सब कुछ जो स्क्रिप्टेड स्क्रिप्टेड हो रही है, मतलब सब कुछ प्लान्ड होता है ऑलरेडी. उस टाइम पे ये चीज़ें क्या की जाती थी, क्या स्ट्रेटेजी हुआ करती थी. देखो उस टाइम पे ना जो प्लो कल्टिवेशन है उसमें हम लोग शिफ्ट कर चुके थे. ठीक है, जो भी एलोवियल रिवर है गंगा और कावेरी की, वहाँ के लिए हम लोग जो है अब आयरन टिप्ड, देखो जो फ्लो है अब हम ना आयरन टिप फ्लो जो है उसको यूज़ करने लग गए थे. ठीक है, खासकर जो एलोवियल सोइल है वहाँ के लिए. ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती थी. ठीक है, मोर ओवर गंगा वैली के जो पार्ट्स है जहाँ पे चावल ज़्यादा इंट्रोड्यूस चावल ज़्यादा उगाया जाता था वहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन शुरू हुआ. तो ट्रांसप्लांटेशन में क्या हुआ करता था, जहाँ पे बहुत सारी प्लांट है वहाँ पे उसको उगा के फिर कहीं और जाके उसको फिर से सैपलिंग को वहाँ पे मतलब बो दिया जाता था, दैट वॉज ट्रांसप्लांटेशन. ठीक है, सो जब आयरन प्लोशेयर शुरू हुआ उसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई ऑफकोर्स. बट कुछ ऐसे सब कॉन्टिनेंट मतलब हर जगह पे नहीं, सब कॉन्टिनेंट के कुछ एक पार्ट में ही जो है ये चीज़ें फैली. अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो पंजाब और राजस्थान में तो ये चीज़ें 20th सेंचुरी में अभी इंट्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, हम लोग अभी 21st सेंचुरी में जी रहे हैं. ठीक है, सो 20th सेंचुरी में ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करी गई थी अभी. ठीक है, बट कहाँ हम लोग उसको कौन सी सेंचुरी से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, 6th सेंचुरी BCE से. ठीक है, ऐसी जो स्ट्रेटजी है वो अडॉप्ट करी गई ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और ज़्यादा इंक्रीज किए जा सके. वो इरीगेशन जो कि वेल्स और टैंक से अब हो रहा था, कैनाल्स भी उस टाइम पे बनने शुरू हो गए थे. ठीक है, काफ़ी ऐसी कम्युनिटीज थी और इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने ये इरीगेशन वर्क को कंस्ट्रक्ट करा. बाद में जो है मतलब ज़्यादातर इनको राजा ही बनाया करते थे, तो जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा करता था, काफ़ी ज़्यादा पैसा मांगता था. ठीक है, सो और ये चीज़ें भी जब वो बनवाते थे राजा तो बाद में जाके ये इंस्क्रिप्शन में उनको लिखवा दिया जाता था कि हाँ इंस्क्रिप्शन में लिखो मैंने ये किया. ठीक है, सो अब रूरल सोसाइटी में क्या डिफरेंसेस थे. ठीक है, देखो जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है ना उसमें उससे हमें ये पता चला है कि जो जो सोसाइटी है वहाँ पर ना डिवाइड किया गया था, वहाँ पर मतलब डिफरेंस था पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिफरेंस था लोगों के बीच में, सोशल डिफरेंस था. ठीक है, कुछ ऐसे लोग थे जो कि लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स थे, कुछ स्मॉल पीजेंट्स थे और कुछ ऐसे थे जिनके पास बहुत ही ज़्यादा लैंड है. ठीक है, और टर्म गोहपति यूज़ किया जाता था उन लोगों के लिए जो कि स्मॉल पीजेंट्स होते थे और जिनके लार्ज जो है वो लैंड होल्डर्स हुआ करते थे, जिनकी ज़मीन बहुत ज़्यादा हुआ करती थी. ठीक है, सो ये भी दिखाता है हमारे को कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस भी हुआ करता था लोगों के बीच में. ठीक है, और जो हेडमैन हुआ करता था यानी कि जिनके पास सबसे ज़्यादा लैंड हुआ करती थी वो एक काफ़ी पावरफुल फिगर था. ठीक है, सो लार्ज कुछ ऐसे लैंड ओनर्स थे जिनको वेलालार बोला जाता था. ठीक है, और जो प्लोमैन थे उनको अजावर बोला जाता था और स्लेव्स को अदीमी बोला जाता था. ठीक है, कौन से लैंग्वेज में, तमिल लिटरेचर में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है संगम टेक्स्ट में. ठीक है, सो अभी हमें ये भी पता चल गया कि जो सोसाइटी है उसमें लेबर का अलग है और कोई नई टेक्नोलॉजीज भी आ गई थी और कुछ लोगों के पास लैंड थी, कुछ लोगों के पास लैंड बिल्कुल भी नहीं थी. ठीक है, सो और ये भी हमें पता चल गया कि लैंड के ऊपर जिसका कंट्रोल है उसकी पावर भी क्रूशियल है. और यहाँ पे एक और चीज़ है, जब लैंड डोनेट की जाती थी या कोई पर्सन के पास लैंड आती थी तो एक लीगल टेक्स्ट बनाया जाता था. जैसे आज के टाइम पे आप लैंड खरीदते हो या प्रॉपर्टी डीलिंग करते हो तो आपको ना एक टेक्स्ट होता है कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ आपकी है, वैसे उस टाइम पे भी हुआ करता था. ठीक है, कुछ हद तक, इतना ज़्यादा नहीं बट कुछ हद तक वहाँ पे भी हुआ करता था. ठीक है, अब देखो जब लैंड ग्रांट की गई थी और जब न्यू रूलर्स अलाइट शुरू हुआ, देखो सो अर्ली सेंचुरीज को कॉमन एरा बोला जाता था. किस चीज़ का, ग्रांट करने का चीज़ है. ग्रांट क्या होती है, दान में देना. ठीक है, लैंड को उस टाइम पे दान में देना बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया था. बाद में ये चीज़ इंस्क्रिप्शन में लिखी जाती थी. ठीक है, और ये जो इंस्क्रिप्शन थे कुछ स्टोन्स के होते थे, कुछ जो है कॉपर की प्लेट पे ये लोग ये हुआ करते थे. ठीक है, ये रिकॉर्ड सर्वाइव कर गए बिकॉज ये इस चीज़ की हुआ करते थे, कॉपर और स्टोन की हुआ करते थे जो कि इतनी ईजिली ख़त्म नहीं होते. ठीक है, सो ये जो भी ग्रांटिंग है ये किसको दी जाती थी, ये दान किसको किया जाता था, ये किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या ब्राह्मण को जो है ये चीज़ें दान की जाती थी. ठीक है,
और जो इंस्क्रिप्शन है वो ज़्यादातर संस्कृत में ही लिखी जाती थी। कुछ केसेस पे ऐसा था स्पेशली 7th सेंचुरी में कि संस्कृत के साथ अब तमिल और तेलुगु जैसे लोकल लैंग्वेजेस में भी ये चीज़ें लिखी जाती थी। ठीक है, सो प्रभावती गुप्ता जो कि चंद्रगुप्त 2 की डॉटर हुआ करती थी, ठीक है, वो वकाताकास नाम के एक बहुत ही मतलब पावरफुल डिकन जो रूलिंग फैमिली है वहाँ पे उनकी शादी हुई थी। ठीक है, सो ऐसे काफ़ी सारे लीगल संस्कृत टेक्स्ट हमें मिले जहाँ पे वुमेंस जो है वो लैंड को ना ही एक्सेस कर सकती है, ना ही उनके पास इंडिपेंडेंस था कि वो उसको जाके दान दे। तो देखो आप उसी चीज़ को दान देते हो जो आपकी अपनी होती है। ठीक है, तो जब वुमेंस है तो उनको लैंड ही उनके पास जो है उनको नहीं दी जाती थी। बट हमें ये भी दिखा कि जो प्रभावती है उन्होंने काफ़ी लैंड को ग्रांट किया, इसका मतलब है कि वो जो है एक्सेस करती थी लैंड को। ठीक है, बट काफ़ी फिर जो हिस्टोरिकल्स थे उन्होंने बोला शायद इसलिए क्योंकि वो रानी है, और कुछ हिस्टोरियंस ने ऐसा बोला कि ये भी हो सकता है कि कहीं जगह पर एक्सेप्शन हो। ठीक है, कि मतलब वो एक्सेप्शन हो, उनका सिचुएशन एक्सेप्शन हो, और कुछ लोगों ने ऐसे बोला कि हो सकता है कि ये चीज़ यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंटेड ना हो, कुछ लोग इन चीज़ को मानते हो कुछ लोग नहीं मानते हो। ठीक है, सो ये हिस्टोरियंस के जो आपस में भी डिबेट्स चलती रहती थी। ठीक है, सो जो इंस्क्रिप्शन है वो रूलर पॉपुलेशन का भी ऐसा छोटा छोटा हल्का हल्का हमें आइडिया दे देता है। ठीक है, सो अब जो लैंड ग्रांट है वो कंट्री की काफ़ी सारी जगहों पे हमें देखने को मिला कि यहाँ जो लैंड है उनको ग्रांट किया जा रहा है। ठीक है, सो ऐसी काफ़ी रीजनल वेरिएशंस भी हमें देखने को मिली अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ लैंड, कितना लैंड डोनेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग में हमें चीज़ें देखने को मिली कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग अमाउंट में जो लैंड वो मतलब डोनेट की जा रही थी। ठीक है, सो लैंड ग्रास का जो इम्पैक्ट है वो भी चेंज हो रहा था, मतलब लैंड ग्रास का मतलब जब ग्रांट को मतलब लैंड को ग्रांट की जाती थी ना तो अब लोग जो हिस्टोरियंस हैं उनका ना अब बहुत ही ज़्यादा ये हो रहा था कि लैंड क्यों ग्रांट कर रहे हैं लोग लैंड दे क्यों रहे हैं। सो अब काफ़ी उन्होंने ऐसे बोला कि जो किंग है वो अपनी पॉलिटिकल पावर दिखाना चाहते होंगे, राइट, किस काफ़ी ने ऐसे बोला कि हो सकता है क्योंकि पॉलिटिकल पावर वीक हो रही हो तो वो जब ऐसे दान करेंगे तो लोग फिर से सपोर्ट करेंगे कि हाँ हमारे राजा इतने अच्छे और समानता उनको और ज़्यादा। ठीक है, काफ़ी उन्हें ऐसे बोला कि हो सकता है कि वो अलाइज को जीतना चाहते हो, डैट इज़ वाई कि वो ये चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी उनको ऐसा लगा कि जो किंग है वो खुद को सुपरमैन दिखाना चाहते होंगे। ठीक है, काफ़ी उन्हें ऐसे बोला कि वो अपना मतलब अपनी पावर दिखाना चाहते होंगे। ठीक है, हिस्टोरियंस जो है अपने अलग अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते रहते हैं। ठीक है, सो मतलब अब कल्टिवेटर्स और जो भी स्टेट है उनके बीच में लैंड ग्रांट का एक रिलेशनशिप ग्रो हो गया था। ठीक है, तो अभी भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि ऑफिशियल्स और समानतास के रीच के परे थे और जिनके बारे में चीज़ें नहीं लिखी गई, ना उन्होंने कभी लिखी ना किसी ने उनके बारे में लिखी और हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो है पैस्टलिस्ट, फिशफोक, हंटर गैदरर, मोबाइल, सेमी सेडेंटरी आर्टिसंस और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। पेस्टलिस्ट यानी कि पेस्टलिस्ट और हंटर गैदरर्स तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिशर फोक्स वो लोग होते हैं जो कि मछली पकड़ने का काम करते हैं, जो लोग शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते रहते हैं, जो एक जगह पे नहीं रहते। इनके बारे में कोई भी डिटेल रिकॉर्ड हमारे पास है ही नहीं, उनकी लाइफ उनके ट्रांजेक्शन के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, हमारे पास उनका कोई भी कुछ भी आइडिया नहीं है। ठीक है, टाउन्स एंड ट्रेड्स, अब देखो चैप्टर का नाम क्या था, चैप्टर का नाम था किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स। सो किंग्स के बारे में हमने पढ़ लिया, फार्मर्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया, अब हम आ चुके हैं टाउन्स में। ठीक है, सो हमारा चैप्टर इतना कुछ ज़्यादा बचा भी नहीं है अब। ठीक है, सो जैसे हमें पता है कि महाजन पदास के अब अपने कैपिटल हुआ करते थे, राइट, और जैसे कि पाटलिपुत्र है उनका ना रिवर राइड रूट हुआ करता था, जैसे उज्जैनी है उनके लैंड रूट हुआ करते थे, बुहार हो गया, वो जो बुहार जैसी जगह जो कोस्ट के बहुत ज़्यादा पास थी तो वहाँ पर रूट्स हुआ करते थे। ठीक है, सी रूट्स वहाँ पर हुआ करते थे। काफ़ी सिटीज थी जैसे मथुरा तो एक बहुत ही ज़्यादा बसलिंग सेंटर था कॉमर्स का, मतलब वहाँ पे कल्चर पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हुआ करती थी, जैसे एक पर्टिकुलर टाउन या पर्टिकुलर सिटी में हुआ करती मतलब होती है आज के टाइम में। ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन के अब हम बारे में पढ़ लेते हैं, रूरल पॉपुलेशन के बारे में तो हमने पढ़ लिया, सो टाउन्स के बारे में तो अब हम अर्बन पॉपुलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, जो अलाइट और जो क्राफ्ट्स पर्सन वहाँ पे हुआ करते थे। ठीक है, इतने सारे जो एक्सकवेशन की गई बट जिन जगहों पे अभी लोग हैं,
होती है। देखो हरप्पन सिविलाइजेशन में तो लोग नहीं रहते थे, तो हमने बहुत सारी एक्सकवेशन करी और हमने बहुत सारी चीज़ें निकाली, ठीक है। बट आज देखो पटना है, पटना में तो कितने सारे लोग हैं, हम पटना में जाके एक्सकवेशन नहीं कर सकते ना, बहुत एक लिमिटेड अकाउंट में हम कर सकते हैं एक्सकवेशन, ठीक है। जैसे पाटलिपुत्र मतलब पटना है, ठीक है, फिर जो डिफरेंट जगहें हैं जहाँ पर आज हम एक्सकवेशन नहीं कर सकते, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो आप एक लिमिटेड अमाउंट में हम एक्सकवेशन कर सकते, तो हमारे पास इतना कुछ ज़्यादा सोर्स नहीं है। कुछ ऐसे सोर्स है जैसे फाइन पाउट्री बॉल्स, एक डिशेस, ग्लोसी फिनिश का एक नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर है, ठीक है, जो कि शायद रिच लोग ही यूज़ करते बिकॉज वो बहुत ही कम हमें मिले। फिर ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेपन, विसल, फिगरीन्स, ठीक है, फिर गोल्ड्स, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी, ग्लास, शेल और टेराकोटा, ऐसी ऐसी चीज़ों के बने हुए चीज़ें हैं बहुत सारी, ठीक है। सो ठीक है, सो अब देखो सेकेंड सेंचुरी में हमें एक वोटिव इंस्क्रिप्शन मिला, ठीक है। वोटिव इंस्क्रिप्शन वो होता है जो कि जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में गिफ्ट दिए जाते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे सपोज मैंने दान दिया है किसी मंदिर में, या फिर मैंने कोई भी चीज़ दी है मंदिर में, कोई गिफ्ट दी है, सो उसको जब मैं जिस इंस्क्रिप्शन में नोट करूँगी उसको हम वोटिव इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। सो उसमें डोनर का नेम, जो कि डोनेट कर रहा है उसका नेम, उसके बाद क्या वो चीज़, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, ये सब कुछ चीज़ें जो उसमें लिखा जाता था, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शन है जिसकी वजह से हमें पता चला कि हाँ क्या किया करते थे उस टाइम पे लोग, कि लोगों का ऑक्यूपेशन क्या हुआ करता था उस टाइम पे, ठीक है। सो ज़्यादातर हमें यही पता चला कि कुछ वॉशिंग फोक हुआ करते थे, यानी कि धोबी हुआ करते थे, कुछ वीवर्स, कुछ स्क्राइब्स कौन होते हैं जो कि हमारे जो भी मैनुस्क्रिप्ट हैं उनको आगे कॉपी करते हैं, ठीक है। कारपेंटर, पॉटर, गोल्डस्मिथ, ब्लैकस्मिथ, फिर कुछ ऐसे थे कि जो ऑफिशियल्स थे, रिलीजियस टीचर्स थे, मर्चेंट्स थे और किंग्स थे, ठीक है। कुछ ऐसे गिल्ड ऑफ श्रेणी थे जो कि इन क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स और मर्चेंट्स को जो है वो ऑर्गेनाइज करके रखा करते थे, ठीक है। उनका नाम भी यहाँ पे मेंशन हमें देखने को मिला, ठीक है। ये जो गिल्ड है ये बेसिकली रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करते हैं ताकि वो प्रोडक्शन को रेगुलेट कर सके और जो फिनिश प्रोडक्ट है उनको मार्केट तक पहुँचा सके, ठीक है। इसमें काफ़ी क्राफ्ट पर्सन थे इस टाइम पे जो कि आयरन टूल्स का भी यूज़ करने लग गए थे और अर्बन एलाइट बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी, ठीक है। सो सब कॉन्टिनेंट और बियॉन्ड, ठीक है, कैसे ट्रेड होने लगा। 6th century BCE में जो लैंड और रिवर रोड्स है वो मतलब क्रिस क्रॉस हो गए थे सब कॉन्टिनेंट में, डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ एक्सटेंड कर गए, ठीक है। ओवरलैंड हो सेंट्रल एशिया उससे भी आगे चल चुके थे और ओवरसीज में होने लग गई थी, ठीक है। सो ये जो हमारा ट्रेड है ये चाइना तक पहुंच गया था, उस टाइम पे इतना हमारा मतलब ट्रेड जो है वो बढ़ गया था। काफ़ी ट्रेडर्स थे जो कि पैदल घूमते थे, काफ़ी ऐसे थे जो कि कारवां लेके घूमते थे, कुछ ऐसे थे जो कि सी फेयरर्स थे, ठीक है। जो सी फेयरर्स थे उनका काफ़ी रिस्की वेंचर हुआ करता था और ऐसा माना जाता था कि ये सबसे ज़्यादा अमीर हुआ करते थे सी फेयरर्स उस टाइम पे, ठीक है। कुछ ऐसे सक्सेसफुल मर्चेंट्स थे जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा अमीर है, उनको बोला जाता था, उनको मसतुवन बोला जाता था, ठीक है, तमिल में, और उनका सेठी और सठवाहस बोला जाता था प्राकृत में, ठीक है, जिनका मतलब जो कि बहुत ही एनॉर्मस रिच थे, बहुत ही ज़्यादा वो रिच हुआ करते थे, ठीक है। सो जो ट्रेड हुआ करता था उसमें क्या ट्रेड हुआ करता था, बेसिकली सोल्ट, ग्रीन क्लोथ, फिटलास, फिनिश प्रोडक्ट। फिर क्लोथ में हम देखें तो इंडिया का मुस्लिम क्लोथ तो इतना ज़्यादा मुलायम, इतना ज़्यादा फेमस हुआ करता था कि थ्रू आउट द वर्ल्ड मुस्लिम क्लोथ का जो है वो मतलब मुस्लिम क्लोथ का ट्रेड किया जाता था, ठीक है, हमारा मुस्लिम क्लोथ इतना ज़्यादा फेमस था। फिर मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, इतने सारे मेडिसिनल प्लांट हो गए, ठीक है। फिर अभी तक तो बहुत कम के हमारे को नाम पता है, बट इतने सारे उस टाइम पे ट्रेड किया करते थे। फिर स्पाइसेस, फिर पेपर, जो कि रोमन एम्पायर में काफ़ी ज़्यादा पेपर हमारा मांगा जाता था, ठीक है, ये सब कुछ अरेबियन सी से मेडिटेरियन सी में जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता था, ठीक है। अब कॉइन्स एंड किंग्स, कुछ एक्सटेंट में एक्सचेंज जो है वो फैसिलिटेट हो गया था बिकॉज अब कॉइनेज का इंट्रोड्यूस हो गया था। जैसे हमने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में भी हमने पढ़ा था कि देखो अगर बाटा सिस्टम है, बाटा सिस्टम में क्या चीज़ चाहिए, बाटा सिस्टम में हमें चाहिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वोट, और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वोट हो जाए वो भी कोइंसिडेंस ही होता था, बहुत ही कम ऐसा हुआ करता था, ठीक है।
और जब करेंसी क्या होती है, करेंसी क्या होती है, मनी क्या होती है, मनी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम इंटरमीडिएट बना देते हैं कोई भी मतलब गुड्स एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। सो अब आपको बार्टर सिस्टम की ज़रूरत नहीं थी, तो जब कॉइन आ गया उस टाइम पे ट्रेड काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गई, एक्सचेंज काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया था, ठीक है। सो और उसके साथ साथ ट्रेड तो ईजी हो गया था, उसके साथ साथ कॉइन्स में जो पंच मार्क थे ना, जो कॉइन्स में चीज़ें बनी होती थी, उभरी चीज़ें होती थी, उससे हमें बहुत ही एक रूलिंग डायनेस्टीज का टाइम भी पता चल जाता था, और जो रूल कर रहा था उस टाइम पर्टिकुलर राजा का नाम भी हमें पता चल जाया करता था, ठीक है। फिर काफ़ी ऐसे मर्चेंट्स थे और बैंकर्स थे और जो टाउन पीपल थे जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर थे, वो अपनी भी कॉइन्स जो है वो इशू करवा दिया करते थे, ठीक है। सो जो पहले कॉइन है जो हमें पता है आज तक जो कि बनाए गए थे, वो इंडो ग्रीक रूलर्स ने उस टाइम पे बनाए थे, कब, वो भी जो कि जिन्होंने कंट्रोल नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में 2nd century के टाइम पे आए थे वो, ठीक है। जो कुशानास थे जिनके बारे में अभी अपने ऊपर पढ़ा, उन्होंने भी मतलब उन्होंने भी जो है वो फर्स्ट गोल्ड कॉइन बनाए थे, ठीक है। और फिर जो रोमन एम्पायर हो गए और जो पार्थियन रूलर्स हो गए ईरान का, उधर भी हमें कुछ ऐसी मतलब साइट्स देखने को मिली जिन्होंने भी कॉइन्स का यूज़ करना शुरू करा, ठीक है। गोल्ड का कॉइन उन्होंने बनाना शुरू करा था, ठीक है। कॉइन जो है वो ट्राइबल रिपब्लिक्स भी इशू कर सकती थी, जैसे कि पंजाब और हरियाणा में जो युद्धास हुआ करते थे, ठीक है, कब, 1st century CE के दौरान। सो आर्कियोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट को काफ़ी कॉपर के कॉइन्स भी मिले जिन्होंने युद्धास को डिस्कस किया गया था उनके बारे में, मतलब उनको उनकी रेफरेंस पे वो चीज़ बनाई गई थी, ठीक है। बट जो सबसे ज़्यादा स्पेक्टेक्युलर गोल्ड कॉइन बनाए गए थे ना, सबसे जो प्योर गोल्ड के सबसे जो मतलब सुंदर जो बनाए गए थे, वो गुप्ता रूलर्स में ही बनाए जाते थे, ठीक है। उनको रिमार्क इनके प्योरिटी के लिए किया जाता था, बिल्कुल प्योर गोल्ड का जो है वो कॉइन बनाया करते थे, ठीक है। सो 6th century CE से जो कॉइन है ना, वो उसका मतलब गोल्ड कॉइन्स ना हमें मिलने बंद हो गए उसके बाद की, जो एक्सकवेशन हुई तो 6th century तक जो है कॉइन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ देखने को मिला, बट उसके बाद कॉइन्स का यूज़ करना बंद हो गया। सो काफ़ी स्टूडेंट ने ऐसा बोला कि हो सकता है कि जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है उसके बाद हमारा ट्रेड जो है वो डिक्लीन हो गया होगा, उसके बाद आए ट्रेड जो उनके साथ नहीं होती होगी। काफ़ी लोगों ने ऐसा बोला हो सकता है कि प्रॉस्पेरिटी में इफेक्ट पड़ गया हो, काफ़ी लोगों ने बोला कि रीजन चेंज हो गया हो, क्या पता लोग दूसरी जगह पे जाके अब ट्रेड करने लग गए हो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो गुप्ता के कॉइन है हमारे पास कुछ, जो सोने के कॉइन्स यहाँ पे वो लोग बनाते थे, ठीक है। सो चैप्टर हमारा बेसिकली ख़त्म हो चुका है, हमने टाउन्स पढ़ लिए, हमने किंग्स पढ़ लिए, फार्मर्स पढ़ लिए और टाउन्स भी पढ़ लिए, ठीक है। सो अब बस बैक टू बेसिक हम आ रहे हैं, थोड़ा सा कैसे कैसे इंस्क्रिप्शन डिसाइफर होते हैं। हम उन्होंने बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि जो प्रिंसिप थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइफर करा किसको, ब्राह्मी और खरोस की स्क्रिप्ट को कैसे उन्होंने डिसाइफर करा, यही अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम देखो हमारे पास ना ये अशोकन इंस्क्रिप्शन है, ये पढ़ के बताओ मुझे। आप बोलोगे क्या बोल रहे हो, ऐसे थोड़ी ना कोई किसी चीज़ को पढ़ के बता सकता है, ठीक है। सो ये इसीलिए इजी हो पाया था बिकॉज इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर करा था। ब्राह्मी को कैसे डिसाइफर करा गया वो हम पढ़ लेते हैं। देखो आज की जो मॉडर्न लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेजेज है वो ना ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही डिराइव हुई है, ठीक है। सो ये जो स्क्रिप्ट है ये अशोकन इंस्क्रिप्शन में सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया था late 18th century में। सो जो यूरोपियन स्कॉलर्स है ये कैसे किया, इन्होंने कैसे इसको जो है डिसाइफर करा। सो कुछ ऐसे यूरोपियन स्कॉलर्स आए, कुछ इंडियन पंडित्स आए, कुछ और लोग आए, और हम लोगों ने उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत डीपली हमें नहीं बताया गया, बस उन्होंने बंगाली और देवनागरी को थोड़ा सा ऐसे कंपैरिजन आपस में करा, लेटर को कंपेयर करके, स्पेसिमन को कंपेयर करके, और उन्होंने ये चीज़ें बद निकाली, ठीक है। सो काफ़ी स्कॉलर्स को ऐसा लगता था कि जो इंस्क्रिप्शन है वो संस्कृत में हुआ करते थे, बट नहीं, वो संस्कृत में नहीं, वो प्राकृत लैंग्वेज में हुआ करते थे जो कि सबसे पुरानी लैंग्वेजेस है, ठीक है। सो उस टाइम पे कैसे मतलब बहुत ही पेनस्टिकिंग इन्वेस्टिगेशन की गई, मतलब लाइक बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम लगा ये सब कुछ करने में, और जेम्स प्रिंसिप ने बाद में जो है अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करा। अब खरोस्की कैसी पढ़ी गई, देखो खरोस्की की जो को जब डिसाइफर किया गया उस स्क्रिप्ट को, तो उसकी ये स्टोरी है कि जब इंडो वेस्टर्न किंग्स, इंडो ग्रीक किंग्स के जो भी कॉइन्स हुआ करते थे जो कि उस टाइम पे जिन्होंने रूल करा था, ठीक है, वो
मतलब उनमें जो चीज़ें लिखी जाती थी वो ग्रीक और खेरोस की स्क्रिप्ट में पढ़ी जाती थी, तो ग्रीक काफ़ी कॉमन लैंग्वेज है, तो ग्रीक जिनको पढ़ने आती थी उनसे खेरोस की लैंग्वेज को मतलब कंपेयर करा गया। जैसा ए लेटर है जो कि अपोलो 2 में यूज़ किया जाता है, सो उन्होंने ऐसे बी कंपेयर करके जो है वो उसको बाद में निकाला बाहर से, वो भी कुछ हमें इतना कुछ बताया नहीं गया डीपली कैसे कैसे निकाला गया। ठीक है, सो हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन, देखो जो रूलर है अशोका वो किसी भी इंस्क्रिप्शन में नाम अशोका नहीं मेंशन करा गया है, किसी भी इंस्क्रिप्शन में अशोका नाम नहीं मेंशन किया गया है। तो आप बोलोगे, आप मुझे बोलोगे कि दीदी अगर अब ये है तो अब कैसे आप बोल सकते हो, आपने तो अभी अब हमें बोला कि इतने सारे इंस्क्रिप्शन है जो कि अशोका जी ने लिखवाए थे, ठीक है, और किसी में अशोका का नाम ही नहीं था तो कैसे लोगों को पता चला। सो हमें बहुत सारी ऐसी इंस्क्रिप्शंस या इतने सारे पिलर्स मिले जहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया था देवान पिया, सॉरी देवा नाम पिया, ठीक है, जिसका मतलब था बिलोव्ड ऑफ द गॉड एंड पिया मतलब पीजेंट टू बी होल्ड। और ये जो नाम है ये अशोका के लिए मेंशन किए गए थे, बिकॉज ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शन अशोका ने अशोका के लिए और अशोका ने लिखवाए थे वहाँ पर जो है ये सारे लैंग्वेजेस और ये सारे वर्ड्स बार बार यूज़ किए गए हैं सेम रूलर के लिए, दैट इज़ वाई हम लोगों को पता है कि हाँ ये अशोका के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, सो अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म होने वाला है, द लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। देखो हर एक चीज़ की ना एक लिमिट होती है, इतने सारे इंस्क्रिप्शंस है हमारे पास तो, बट उस इंस्क्रिप्शन में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जो कि हमें कहीं ना कहीं लैक करते हैं। हम उन जो इंस्क्रिप्शन है, देखो काफ़ी तरह से इंस्क्रिप्शन है जो कि बर्बाद हो गई, जो कि हमारे पास है ही नहीं, काफ़ी जो इंस्क्रिप्शन है उनसे भी हम प्रॉपर सोर्स प्रॉपर चीज़ें नहीं निकाल पाते। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि एक तो टेक्निकल लिमिटेशन कभी कभी हो जाते हैं कि जो लेटर्स है वो फेंट होते हैं या फिर इतने अच्छे से एनग्रेव नहीं होते हैं, मतलब जो कि दिख नहीं रहे होते, कुछ ऐसे जो डैमेज हो जाते हैं, कुछ ऐसे जहाँ पे लेटर्स मिसिंग होते हैं। ठीक है, सो अगर एक भी वर्ड गायब है तो पूरे सेंटेंस का मतलब बदल सकता है, पूरी इंस्क्रिप्शन का मतलब बदल सकता है। ठीक है, सो काफ़ी जो 1000 इंस्क्रिप्शन है वो तो डिस्कवर ही नहीं हो पाए, राइट, काफ़ी हुए गए, काफ़ी ऐसे जो टूट गए, काफ़ी ऐसे जो कि डिसाइफर नहीं हुए, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि हरप्पन सिविलाइजेशन को हम डिसाइफर नहीं कर पाए। ठीक है, सो काफ़ी ऐसी है जो कि टाइम की वजह से जो है वो नहीं सरवाइव कर पाए। ठीक है, फिर और जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि लिखी नहीं गई इंस्क्रिप्शन में, जैसे जो रूटीन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है और क्या क्या, देखो जो ये प्रशस्ति होती थी, जो भी ये मतलब इंस्क्रिप्शन होते थे ना, ये सब्जेक्टिव हुआ करते थे। सब्जेक्टिव क्यों हुआ करते थे, बिकॉज देखो मैंने इंस्क्रिप्शन लिखा, सपोज आपने इंस्क्रिप्शन लिखा कि हाँ शिवांगी है, शिवांगी अच्छा पढ़ाती है। ठीक है, सो कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ मेरी नहीं बनती है तो वो तो ऐसा बोलेगा कि नहीं वो अच्छा नहीं पढ़ाती, वो तो बहुत बकवास पढ़ाती है। ठीक है, आप ऐसा बोलोगे कि वो अच्छा पढ़ाती है सामने वाला जिसके साथ मेरी नहीं बनती। ठीक है, सो वो सब्जेक्टिव है, ये अपने पर्सपेक्टिव को लेके चीज़ें निकल करके आती हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि इन इंस्क्रिप्शन की वजह से भी हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है। ठीक है, सो येस डैट वॉज इट फॉर द वीडियो एंड द चैप्टर एज वेल, सो आई होप यू लाइक इट। और इतनी इंटरेस्टिंग चैप्टर जा रही है क्लास 12th के, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में, आई होप पढ़ाने में आपको भी मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। सो येस डैट वॉज इट, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू वेरी मच।